वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आज की इस वीडियो को आप तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एसएफएसएल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारी मालूमती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ पहुँचता रहे। प्यारी बहनों और भाई, सोबत और कुवत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हदायत तमाम हदायत से कहीं बढ़कर हैं। इनको अपना कर सेहत की हिफाजत करना मुमकिन है और इसी के ज़रिए लज्जत और सरूर का पूरा पूरा सामान फराहम किया जा सकता है। सोबत और कुवत-ए-बा की वजह जिन मकासद के पेश नज़र की गई उनका हसूल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर चलकर मुमकिन है। सोबत तीन बातों के लिए वजह हुई है और यही जमा के हकीकी मकासद है। पहला मकसद, नस्ल इंसानी की बका। सोबत ही के ज़रिए पूरी दुनिया की बका मुमकिन है और अल्लाह ने इंसानों की जो तादाद भी अपने इल्म के मुताबिक दुनिया में मुतय्यन फरमाई है उसकी तकमील का वाहद ज़रिया सोबत है। दूसरा मकसद, उस रतूबत का इकरार जिसके रुक जाने और जमा हो जाने से सारे जिस्म को नुकसान और तकलीर से दोचार होना पड़ता है। तीसरा मकसद, ख्वाहिश पूरी करना, लुत्फ़ अंदोज़ी और नेमत इलाही से बेरहम होना और ये एक नफा है जो इंसान को जन्नत में हासिल होगा क्योंकि वहाँ ना तो नस्ल में इजाफा होगा और ना ही मुमी को सोबत के ज़रिए निकालना मकसूद होगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने और सुनने वालों को पसंद आई होगी। आखिर मैं अपने तमाम बहन और भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी आज की इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुस्तकबिल में आने वाली तमाम नई वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल एसएफएसएल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।